नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे का ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यह वीडियो मान लीजिए आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कुछ ऐसे सवाल, ऐसे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे प्रश्न रेलवे के ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आते हैं। तो इस वीडियो को कहीं पर भी एक पल के लिए भी मिस मत करिएगा। स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम को पास करने के लिए। दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए, और सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद वहाँ पर एक घंटी का निशान आ जाएगा, आप उस घंटी के निशान को भी दबा दीजिए ताकि रेलवे से जुड़ी बहुत सारी जानकारी की जो वीडियो हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं वो आप लोगों तक हर समय पहुंच जाए, जैसे ही हम कोई नई वीडियो डालें आप लोगों तक पहुंच जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा दोस्तों, वायरल कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ जो पेपर देने वाले हैं, ताकि उनका भी कुछ ना कुछ हो जाए और वो भी पेपर बड़ी आसानी से क्रैक कर लें। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे प्रश्न बताने वाला हूँ, मान लीजिए कि पेपर में आप लोगों के उसी तरह के प्रश्न के दर्शन होने वाले, 5 क्वेश्चन कुछ के लगभग मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताने हैं अगर आप लोगों को प्रश्न आता है। ईमानदारी से उत्तर बताइएगा दोस्तों, कहीं पर भी चीटिंग मत करिएगा, नेट पर मत सर्च करिएगा, अगर आपको उत्तर आता है तो ही आप लोग उत्तर कमेंट करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन, किस खेल के साथ ग्रैंड स्लैम का संबंध है? पहला ऑप्शन हॉकी, दूसरा बास्केटबॉल, तीसरा क्रिकेट, चौथा लॉन टेनिस। दोस्तों बिल्कुल चीटिंग मत करिएगा, ईमानदारी से बताइएगा अगर आप लोगों को इसका उत्तर मालूम है। उत्तर में ए बी सी जो भी इसका सही उत्तर है कमेंट करके बताइए कौन सा उत्तर इसका सही है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों प्रश्न में, पेपर में आप लोगों को ऐसे ही प्रश्न पत्र में ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 17 को एग्ज़ाम है, 4-5 दिन पहले उसका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर आप लोगों को पल पल की मिलती रहती है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। इसके बाद अगर दूसरा क्वेश्चन देखें तो 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करने पर यह पूर्ण प्रश्न संख्या हो जाएगी? तो 45, 50, 300 इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन है 45, दूसरा है 50, तीसरा है 300, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही उत्तर है, ईमानदारी के साथ बताइएगा, बिल्कुल भी चीटिंग मत करिएगा। आप लोगों के भविष्य का सवाल है, प्रश्न पत्र में समझ लीजिए आप लोगों का पेपर हो चल रहा है यहाँ पर, तो क्या आप लोग वहाँ पर चीटिंग करने के लिए बैठ जाएंगे? नहीं बैठ जाएंगे ना, आप लोगों को वहाँ पर मौका नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर भले ही आप लोगों को अगर नहीं उत्तर आता है तो गलत ही आप लोगों का। तीसरा प्रश्न, एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 20-21 के रेशियो के अनुपात है, तो इसका प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 20:21 के अनुपात में है, तो इस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। पहला ऑप्शन है 5%, दूसरा ऑप्शन है 6.25%, तीसरा ऑप्शन है 7.25%, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। दोस्तों आसान है क्वेश्चन, मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी, यह कोई IIT का एग्ज़ाम नहीं है, नीट का एग्ज़ाम नहीं है, या फिर IAS का एग्ज़ाम नहीं है, जो कि इसमें बहुत तगड़े तगड़े बिना सोचे समझे मतलब कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन आने वाले हैं, बना करके क्वेश्चन आने वाले। मैं आप लोगों को बता दूं यह एग्ज़ाम है स्पीड का एग्ज़ाम है, आपकी बेसिक नॉलेज का एग्ज़ाम है। इस पर आप लोगों की बेसिक नॉलेज टेस्ट करने वाले हैं वो लोग। अगर आपके बेसिक क्लियर हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को वहाँ पर पेपर में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, पेपर बहुत आसान आने वाला है, बहुत आसान आने वाला है, मान लीजिए मेरी बात, बहुत आसान आने वाला है। तैयारी आप लोगों ने की है तो मान लीजिए मेरी बात कि पेपर बहुत आसान आने वाला है, और आप लोग पेपर को बहुत ही आसानी के साथ पास कर लेंगे और सफल हो जाइएगा। और जब सफल हो जाइएगा तो मेरे को ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर आपने सही बोला था, हम सफल होकर निकले हैं। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। पहला ऑप्शन है 5%, दूसरा ऑप्शन है 6.25%, तीसरा ऑप्शन है 7.25%,
25% और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर अगर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट करके बताइए कि कौन सा ए बी सी में से कौन सा इसका सही उत्तर होने वाला है। चीटिंग बिल्कुल भी मत करिएगा, मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, आपको एग्ज़ाम देना है। आप लोगों को एग्ज़ाम को कुछ ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, थोड़े ही दिन बचे हैं। आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, तो यहाँ पर भी आप लोगों को मेहनत का ये कुछ क्वेश्चन है जिनसे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों की मेहनत कितनी करी है आप लोगों ने। अगर आप लोगों को कहीं पर कमी, आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो पता है कि अभी कुछ टाइम है, तो आप लोगों को किस चीज़ पे आप लोगों को थोड़ा तेज़ करना है। मिक्स क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन है, सभी चीज़ के क्वेश्चन है यहाँ पर। सभी चीज़ में आप लोगों की पकड़ होनी चाहिए, तभी आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। एग्ज़ाम क्रैक करना ज़रूरी नहीं होता, बेसिक पकड़ ज़रूरी होती है। अगर बेसिक पकड़ है आपके पास तो कोई भी एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से पास किया जा सकता है। चौथा क्वेश्चन, डेयर मनी पॉलिसी का तात्पर्य क्या है? देखिए डेयर मनी पॉलिसी का तात्पर्य क्या है? ए उच्च मूल्य स्तर, बी बहुत मुद्रा आपूर्ति, सी उच्च उत्पादन और डी उच्च ब्याज दर। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, इतना ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही डेली लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। डियर मनी पॉलिसी का तात्पर्य है उच्च मूल्य स्तर पहला ऑप्शन है, बी बहुत मुद्रा आपूर्ति ये ऑप्शन बी है, और सी उच्च उत्पादन ये ऑप्शन सी है, और डी है ऑप्शन डी है उच्च ब्याज दर। दोस्तों उत्तर पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि उत्तर में क्या होने वाला है, ए बी सी में से कौन सा सही उत्तर है। और मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि वीडियो को साथ साथ में लाइक करते जाइए, और अपने दोस्तों के साथ अगर आप लोग फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में इसका लिंक शेयर कर दीजिए। आप अगर व्हाट्सएप चलाते हैं व्हाट्सएप में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जहाँ जहाँ पर आपको ज़रूरी लगता है शेयर करना वहाँ पर शेयर कर दीजिए। इंस्टाग्राम पर ये शेयर कर दीजिए, ट्विटर चलाते हैं तो ट्विटर वाले ट्विटर पर भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक में ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं तो ग्रुप्स में भी इसको वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि रेलवे का एग्ज़ाम है, बहुत से लोगों ने एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा है, और सभी को यहाँ पे मोटिवेशन के लिए ये सारी वीडियोस की ज़रूरत पड़ती है, सभी को ये वीडियोस का पता होना चाहिए। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों अपने मित्रों और पहचान वालों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए जो कि इस पेपर को देने जा रहे हैं। तो होप आप लोगों को यह प्रश्न आता होगा और आप लोगों ने कमेंट करके उत्तर भी दे दिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो पांचवा जो क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, जनरल नॉलेज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, बेसिक नॉलेज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, रोज कहीं आप लोगों को पता होगा, मेरे को लगता है बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। 24 दिसंबर पहली ऑप्शन है, 24 दिसंबर, दूसरी ऑप्शन है 4 अक्टूबर, और तीसरी ऑप्शन है 27 दिसंबर, और चौथी ऑप्शन है 6 सितंबर। तो बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 24 दिसंबर को मनाया जाता है, या 4 अक्टूबर को मनाया जाता है जो कि ऑप्शन बी है, या 27 सितंबर को मनाया जाता है जो कि ऑप्शन सी है, या 6 दिसंबर को मनाया जाता है जो कि ऑप्शन डी है। ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? जो भी ऑप्शन सही है आप लोग मेरे को कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए कि कौन सा उत्तर सही है। अगर देखते हैं कि कितने लोगों को ये क्वेश्चन, जो लोग 5 के 5 क्वेश्चन करेंगे उनका हम अगले वीडियो में नाम जरूर लेंगे, जो कि 5 के 5 क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। जितने भी लोग, हम ट्राई करेंगे कि अपने दूसरी वीडियो में उनका नाम लेके बताएं कि हाँ इन लोगों ने सही जवाब दिया है नीचे कमेंट पढ़ के। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि पेपर में आप लोगों को इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, कोई हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, जहां पर आप लोगों को पूछ दिया जाएगा कि तरंगे में तरंगा कैसे होता है, कुछ भी, मतलब ऐसे मजाक कर रहे थे लेकिन ऐसे ही कुछ भी बना करके पूछ दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बहुत ही आसान क्वेश्चन वहाँ पर आने वाले हैं, ऐसे ही आपके रियल डे टू डे लाइफ से, जनरल नॉलेज से बेसिक क्वेश्चन आने वाले हैं जो आप लोग सुनते आ रहे हैं, रोज़ अपनी रोज़मर्रे की ज़िंदगी पर सुनते हैं। मैथ के भी बहुत आसानी क्वेश्चन, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप लोगों ने तैयारी की होगी, प्रैक्टिस की होगी क्वेश्चन की, तो पेपर को पास करना कोई आप लोगों के लिए कोई पहाड़ नहीं है कि पहाड़ खोदने के बराबर है, आप लोग इसको चुटकियों बजा करके पास कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। और आप भी इस चीज़ को मानते होंगे कि अगर आप लोगों ने मेहनत करी है, पेपर बेसिक आप लोगों के क्लियर हैं, फास्ट कैलकुलेशन है, ट्रिक्स आप लोगों को मालूम है, आप लोगों ने अच्छे से यूट्यूब को फॉलो किया है, चैनल्स बहुत सारे हैं जो कि प्रिपरेशन करवा रहे हैं आजकल, तो यार बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं आप लोगों के लिए, बहुत सारे यूट्यूब पर हर एक चीज़ अवेलेबल है, यहाँ पर बहुत सारे चैनल हैं जो फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं, तो आप लोगों ने तैयारी ज़रूर कर रहे होंगे उस चीज़ के लिए, और आप लोग इस पेपर को आसानी से
पास कर लेंगे, ये हमें पता है, ये हमें भी और आप लोगों को भी ये हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोग इस पेपर को क्रैक कर लेंगे नहीं लेंगे, कितना कॉन्फिडेंट है आप लोगों के अंदर, कितना आत्मविश्वास है, आप आत्मविश्वास से भरे हैं कि नहीं, ये बताइए मेरे को कमेंट करके। अगर भरे हैं तो मेरे को बताइए कि हाँ हाँ सर, हमें गारंटी है, विश्वास है अपने ऊपर कि हम इस पेपर को पास कर लेंगे बहुत आसान तरीके से। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने वहाँ पर पेपर में आने वाले हैं। इस वीडियो को खूब लाइक करिए, खूब सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप लोगों से जल्दी हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए।